यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे हमने एडमिशन लिया था प्री एनरोलमेंट पोर्टल पे, क्या उस पे फिर से एडिट का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा? क्या हम किसी और कॉलेज के फॉर्म्स को फिर से फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेरीज है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आफ्टर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो कल के दिन जैसे कि आपको मालूम है कि आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट था वो यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल है, ठीक है, यहाँ पे आपको आना है। और जो बच्चे क्वेरीज करते हैं कि सर क्या फिर से हम फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली पेज है। जैसे आपने देखा तो यहाँ पे जो मैंने कॉलेजेस सेलेक्ट किए हुए हैं वो कॉलेज के यहाँ पे पूरे लिस्ट एज इट इज मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक चेंजेस होगा अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, तो जैसे कि मैंने इस पे एक लास्ट वीडियो बनाया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट से पहले कि आप किस तरीके से कोर्सेज ऐड कर सकते हो, कॉलेजेस ऐड कर सकते हो, तो दैट टाइम यहाँ पे जो आपका रिसिप्ट देख रहे हो यहाँ पे, देखिए इसमें आपको प्रिंट फॉर्म के साथ साथ यहाँ पे मिलता था ऐड चॉइस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैसे कहते थे कि सेलेक्टिव सेलेक्ट सॉरी यानी कि सेलेक्टेड प्रोग्राम यहाँ पे जाते थे और वहां पे सर्च करते थे, तो वहां पे नंबर ऑफ द प्रोग्राम्स नहीं मिलते थे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि आप प्रोग्राम यहीं पे सर्च कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐड चॉइस का जो बटन था, ठीक है, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट पे पूरा डिपेंड था, यानी कि कल के दिन ये मेरिट लिस्ट है और ये कल ही यहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया, यानी कि अब आप कोई भी कॉलेजेस या कोई भी अदर कोर्सेज ऐड नहीं कर पाओगे। आपने जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस सेलेक्ट किए हो, ठीक है, उतने ही कॉलेज आपके लिस्ट में रहेंगे और उसके बेसिस पे ही आपका यहाँ पे एडमिशंस होगा। क्लियर? तो दैट इज मींस अब आप देख सकते हो कि आपका ऐड चॉइस नहीं है, यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है, सबमिटेड दिखा रहा है। और मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे एक और क्वेरी था, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टिक दिखा रहा है, ठीक है, फेल प्रोफाइल डिटेल टिक दिखा रहा है, सेलेक्ट प्रोग्राम अभी भी यहाँ पे एक्टिव है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये पेज ओपन हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे भी ये अभी भी एक्टिव है। नेक्स्ट अगर मैं डिक्लेरेशन पे क्लिक करूँ तो देखो डिक्लेरेशन पे क्लिक नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसके पहले जो हम वीडियोस मैंने आपको बताया था, ठीक है, या आप भी चेक किए होंगे, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक होता था, अब ये डिक्लेरेशन पे क्लिक नहीं हो रहा। दैट इज मीन्स अब यहाँ पे ये जो तीन पार्ट है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब आपके बचे हैं सिलेक्शन, सेलेक्ट प्रोग्राम या प्रोग्राम्स। अब ये अभी भी ओपन है, तो मतलब कि अभी भी कुछ ना कुछ कहीं पे चांसेस है शायद ये पोर्टल फिर से ओपन हो। ठीक है, मतलब कि एडिट का ऑप्शन ओपन हो, और बेसिकली होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम जो प्रेफरेंस चॉइस किए हैं, ठीक है, उसके अंदर हम एडिट कर सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिसमें इस बच्चे का शायद नाम आ गया होगा, ठीक है, और या तो ऐसा हो कि नहीं आया हो, और हमें भी ऐसा होता है कि हमें जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज नहीं मिला मिलता है, तो हम क्या करते हैं फिर दूसरे कॉलेज को चूज करते हैं। मतलब क्या, जैसे कि मुझे कोई एक्स वाई जेड कॉलेज मिल गया लेकिन मुझे वो उस कॉलेज में नहीं जाना है, मुझे दूसरे कॉलेज में जाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि वो फिर कॉलेज को मैं वेट करूंगा, ठीक है, और उसमें मैं एडमिशन नहीं लूंगा। जैसे कि आपका आपको अगर किसी कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है मतलब आपका नाम आ चुका है, आपका कट ऑफ आ चुका है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहते हो तो उस कॉलेज में आपको इन्फॉर्म करना होगा कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, तो वहां से आप अपने एडमिशन को स्टॉप कर दें। जब तक आप ऐसा प्रोसेस नहीं करते हो तो आपको दूसरे कॉलेज में फिर वो एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका नाम किसी कॉलेज में आया है या आपका कट ऑफ आया है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आपका नाम आया है तो दैट इज मीन्स आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है, या मेल आएगा, ठीक है, या तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम आ चुका, क्योंकि जो कॉलेज मेरिट लिस्ट निकालती है तो उसमें नाम के साथ निकालती है। बहुत सारे कॉलेजेस नाम के साथ अपनी मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले की है, और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने विदाउट नेम अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की है। तो दैट इज उस कॉलेज का वही फॉर्मेट है, क्योंकि आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर सकते हो कि आपका नाम आया है या नहीं आया हुआ है। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं और मुझे कंटिन्यूसली यूट्यूब पे कमेंट आया कि सर हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा नाम आया है, नाम वाले लिस्ट कहाँ है, ठीक है, क्या हमें नाम वाले लिस्ट मिल सकते हैं? देखिए जिस कॉलेज का है उसी कॉलेज का आपको मिलेगा, हर एक कॉलेज पे ये नहीं है, राइट ना? तो आपको जो भी कॉलेज चाहिए अगर उस कॉलेज में नाम वाले लिस्ट है तो डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा। अभी ये कॉलेज का लिस्ट आपको बेसिकली मिलेगा कहाँ,
देखिए, मैंने कल के दिन भी आपको एक अपडेट किया था, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने टोटल 40 जो कॉलेजेस है, ठीक है, जो मुझे कंटिन्यूअसली आ रहे थे, तो उसके लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि इस 40 कॉलेजेस को और ऊपर लेके जाऊँ, मतलब कि और भी कॉलेजेस मैं ऐड करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। तो मतलब ये आपको इस पेज पे और भी अपडेट मिलेगा कॉलेजेस के, बहुत सारे कॉलेज के लिस्ट है, बहुत सारे बच्चों को चाहिए, ठीक है, और बहुत सारे कॉलेजेस। देखिए, ऐसा था कि कल के दिन ना पूरा एक बोलते हैं क्राउड और ट्रैफिक इंटरनेट पे आ चुका था, तो इसीलिए कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेज अपने मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं कर पा रहे थे, या कर रहे थे तो जल्दी अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो क्योंकि ये कैसा होता है कि थोड़ा सा इंटरनेट ग्लीच हो जाता है, या थोड़ा इंटरनेट कैसा है कि उस पर ये ट्रैफिक आने के बाद वो प्रॉपर देखिए चलता नहीं है। तो डोंट वरी, मैंने हर एक कॉलेज के लिस्ट निकाली है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट है 2024 का है, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। तो बेसिकली ये है आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का, अब तक इस पे कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया हुआ है, जो कि मैं कंटिन्यूअसली वेट कर रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे भी ऐसा वेट कर रहे हैं कि जिनको कॉलेजेस में अभी भी, बहुत सारे कॉलेज उन्होंने अपने माइंड में रखा है कि अगर ये लिंक ओपन होता है तो वो कॉलेज डेफिनेटली उसको सेलेक्ट करके उसका फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी कॉलेज का लिंक ओपन नहीं है, ठीक है, ताकि आप उसमें अपने फॉर्म को फिल कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म्स था वो हो चुका है एक बार, तो लेट्स सी अभी ये फिर से ओपन होगा या नहीं होगा, मतलब कि आप कॉलेज के जो लिस्ट है उसको फिर से भरोगे या नहीं भरोगे, ठीक है, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, या मुंबई यूनिवर्सिटी पे पूरा डिपेंड करता है कि उनकी सर्कुलर क्या है। बेसिकली सर्कुलर से ये एक पॉइंट आया है कि जिन बच्चों का नाम आ चुका है, ठीक है, उनके पास सिर्फ 20 जून तक का टाइम है, ठीक है, तो आप 20 जून के 1 बजे तक का टाइम है, आपको तब तक अपने एडमिशन ले लेने हैं। अगर नहीं ले पाओगे तो दैट इज में आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली वहां पे कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का नाम आ चुका है, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको नहीं पता है कि उनका नाम किस किस कॉलेज में आया या कट ऑफ में आया हुआ है, तो डेफिनेटली आप आ जाइए साइट पे, और वहां पे आपको जो भी कॉलेज चाहिए उसको सर्च कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। जो अभी मैंने पेज दिखाया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ठीक है। अभी बहुत सारे कॉलेजेस बचे हैं, देखिए, तो आपको जो भी कॉलेज चाहिए, अगर ये लिस्ट में नहीं मिलता, डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा और उसको मैं पेज पे भी ऐड कर दूंगा, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज लिस्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा फाइंड आउट करना पड़ता है अंदर जाके। तो ये तो मेरी कोशिश थी कल की, 40 मैंने कॉलेजेस आपको दे दिए, और ये विदाउट आपके सपोर्ट ये नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे तो कंटिन्यूअसली मुझे कमेंट कर रहे थे कॉलेज का नाम, तो मेरे माइंड में भी कॉलेज का नाम आ रहा था, क्योंकि एक साथ मैं इतने सारे कॉलेज के नाम नहीं सोच सकता। तो थैंक यू टू ऑल जो कमेंट कर रहे थे कल, देखिए आज भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो सब कॉलेज के आपको लिंक मैं एज सुन एज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो आपकी क्वेरीज थी कि सर क्या ये फिर से पोर्टल ओपन होगा एडमिशंस के लिए, या एडेड प्रेफरेंस के लिए, या कॉलेज के पोर्टल ओपन होंगे फॉर द एडमिशंस पर्पस के लिए, तो अब तक इसके ऊपर कोई भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया, इसके ऊपर कोई अभी तक सर्कुलर मुंबई यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया हुआ है। तो जो भी सर्कुलर आएगा मैं डेफिनेटली आप तक पहुंचाऊंगा। देखिए, आपको सिंपल से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलता रहे। देखिए, और भी कुछ क्वेरीज है आपके माइंड में तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो इंस्टा आईडी पे, मुकुंद एजुकेयर ये मेरी आईडी है, वहां पे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको हर एक बच्चे लोग का जो भी क्वेरीज है मैं आपको डेफिनेटली सबको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बस ये है कि कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है, और कुछ कुछ क्वेरीज ऐसी होती है जिसको मुझे खुद सोचना पड़ता है कि बेसिकली उसका सोल्यूशन क्या है, तो उसमें भी डिले हो जाएगा। तो आप लोग उसे वेट करना, मैं जल्दी से जल्दी सबका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और मैं कंटिन्यूसली सबका वैसे भी रिप्लाई देते आ रहा हूँ, क्योंकि कल बहुत सारे कॉलेज के जो लिस्ट आए थे उसको नंबर ऑफ द कॉलेज के लिस्ट है, सबको मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। मेरे एंड से कोई बच गया रहेगा तो उसको डेफिनेटली आप वेब पेज पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और याद रखिए जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 21 को रिलीज होगी। तो आप देख सकते हो कि 20 को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट खत्म होगा, देखिए डॉक्यूमेंटेशन करके, एंड 21 को ही आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। दैट इज मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एडिट के ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि फिर आपको एक दिन का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, जैसे कि आपको अभी मिला था। तो लेट्स सी वो क्या होता है क्या नहीं होता है, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी सर्कुलर। तो जैसा भी मुंबई यूनिवर्सिटी का सर्कुलर या नोटिफिकेशन कुछ भी आएगा, मैं आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।